हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर एस अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 10.3 और क्वेश्चन नंबर 31 है। नाउ सी द क्वेश्चन। इन अ क्लास 8 द सम ऑफ कमलाज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40। हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 4 मोर मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन इतना 360। फाइंड हिज मार्क्स इन टू सब्जेक्ट सेपरेटली। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कमला को मैथ्स और इंग्लिश में मिला के 40 मार्क्स आ रहा है। ये बोल रहा है कि अभी उसको मैथ्स में 3 मार्क्स ज़्यादा आता है और इंग्लिश में 4 मार्क्स कम होता है, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कमला को मैथ्स सेपरेटली पूछ रहा है, मतलब कि कमला को मैथ्स और इंग्लिश में कितना मार्क्स आ रहा है। क्वेश्चन में मान लीजिए यदि किया दे रहा है कि एम फॉर मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश को मिला के कितना आ रहा है, 40 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, लेट क्या लिखते हैं, लेट कमलाज मार्क्स इन इंग्लिश, क्या मान लेते हैं इसको, इंग्लिश में इसको कितना मार्क्स आ रहा है, ये एक्स मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो देयर फोर कमला मार्क्स इन मैथ्स कितना हो गया, मैथ्स कितना कितना होगा, 40 माइनस एक्स। कैसे, देखिए मैथ्स इंग्लिश की जगह एम प्लस एक्स इक्वल टू 40 है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 40 माइनस एम लिख, 40 माइनस सॉरी एम इक्वल टू 40 माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो वही लिखें। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभी कमला को इंग्लिश में कितना 4 मार्क्स कम आ रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में हैज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंग्लिश में कितना हो रहा है कि पहले जितना मार्क्स है उससे कितना 4 मार्क्स कम आ रहा है, तो कितना हो गया, एक्स माइनस 4 आ गया। और मैथ्स में कितना आ रहा है, मैथ्स में देखिए मैथ्स में आ रहा है कि उसको 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथ्स में उसको 3 मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, मतलब 40 माइनस एक्स प्लस 3 ये दिया है। तो बोल रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है, क्या इसका जो प्रोडक्ट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 43 माइनस एक्स हो गया, तो बोलता है इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स माइनस 4 और 43 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 360 है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो गया, ये 43x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 172 और प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 47 एक्स माइनस 172 और ये इधर आ गया माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 47 एक्स माइनस 532 इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम एक्स कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 532 इज इक्वल टू कितना हो गया, हाँ मच 0 हो गया। इसको कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स लिख सकते हैं और माइनस 19 एक्स प्लस 532 इज इक्वल टू 0। कैसे, अभी इसको फैक्टराइज करेंगे, 532 तो 28 और 19 को इंटू करेंगे तो 532 आएगा, और इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 470 एक्स। अब इसमें क्या लेंगे, एक्स मेरा कॉमन लेते थे, एक्स माइनस 28 हो गया और माइनस 19 लिए तो कितना हो गया, एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 28 एक आ गया इक्वेशन और एक्स माइनस 19 आ गया। ठीक है, तो मेरा कितना हो गया, एक्स इक्वल टू 28 और 19, दो वैल्यू आ गया एक्स का। तो आप देखिए, तो जब एक्स का यहाँ पे देखिए, एक्स का वैल्यू जब 28 ले रहे हैं, मतलब जब इंग्लिश का मार्क्स 28 ले रहे हैं, तो मेरा मैथ्स का मार्क्स कितना आ गया, मैथ्स का 40 माइनस 28 इसका मतलब कितना हो गया, 2
12 आ रहा है, तो मतलब क्या आ गया 28 और एक 12 आ गया, ये आंसर। या जब x का वैल्यू हम 19 ले रहे हैं, जब इंग्लिश का वैल्यू ले 19 ले, तो मैथ्स का कितना होगा 40 माइनस 19, तो यहाँ कितना 1 हो गया, यहाँ 21 हो गया, तो दूसरा जो आंसर होगा 19 और 21। तो ये क्या हो गया, ये इसका सॉल्यूशंस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।